हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल गिटार अड्डा। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आज मैं आपको सिखाऊंगा थ्री इडियट मूवी का गिव मी सम सनशाइन सॉन्ग, और ये फुल एकॉस्टिक पे प्ले हुआ है, गिटार पे सॉन्ग प्ले हुआ है। तो इसलिए मैं आप सबको ये इसका एक ईजी लेसन आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ताकि जो भी बिगनर्स हैं, जो भी अभी तक इस सॉन्ग को प्ले नहीं कर पाते, तो वो ईजिली इस सॉन्ग को प्ले कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो लेसन स्टार्ट करते हैं। इसमें जो स्केल यूज हुआ है वो है सी मेजर, ठीक है, एंड तीन कॉर्ड्स यूज हुए हैं पूरे सॉन्ग में, ठीक है। तो ओपन कॉर्ड्स हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट कॉर्ड है वो है सी मेजर। अब सी मेजर आपको साइड पे डायग्राम भी शो कर देता हूँ और आपको सामने बता भी देता हूँ कैसे पकड़ते हैं। सी मेजर हम पकड़ते हैं, हमारी जो इंडेक्स फिंगर होती है वो हम रखते हैं फर्स्ट फ्रेट की सेकंड स्ट्रिंग पे, हमारी जो मिडिल फिंगर होती है वो रखते हैं हम सेकंड फ्रेट की फोर्थ स्ट्रिंग पे, एंड जो हमारी रिंग फिंगर होती है थर्ड वाली वो हम रखते हैं थर्ड फ्रेट की फिफ्थ स्ट्रिंग पे। ये होता है हमारा सी मेजर, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड कॉर्ड है वो एफ मेजर है। थोड़ा सा बिगनर को मे बी दिक्कत हो सकती है एफ मेजर के साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ रहता है स्टार्टिंग में, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। एफ मेजर हम पकड़ते हैं, हमने इंडेक्स फिंगर के साथ पकड़नी है फर्स्ट फ्रेट की दो स्ट्रिंग्स, ठीक है, और इसको हमेशा सीधा नहीं पकड़ना है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा पकड़ना है, ठीक है, इसको ऐसे करके पकड़ना। और आपने जो मिडिल फिंगर रखनी है वो रखनी है अपने सेकंड फ्रेट की थर्ड स्ट्रिंग पे, आपने अपनी जो रिंग फिंगर रखनी है वो आपने रखनी है थर्ड फ्रेट की फिफ्थ स्ट्रिंग पे, एंड जो आपने मिडिल फिंगर रखनी है वो आपने रखनी है थर्ड फ्रेट की फोर्थ स्ट्रिंग पे, ठीक है। ये हमारा एफ मेजर है। अदरवाइज अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है फर्स्ट फिंगर से, अगर आपने दो स्ट्रिंग्स नहीं पकड़ी जा रही हैं, तो आप सिर्फ फर्स्ट फ्रेट की सेकंड स्ट्रिंग पकड़ सकते हैं, आपकी जो रेस्ट फिंगर्स होंगी वो सेम प्लेस पे होंगी। तो ये भी ऑलमोस्ट एफ मेजर की ही साउंड देता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी एफ मेजर प्ले कर सकते हैं, एंड अगर ये भी नहीं आपसे प्ले होता है तो आप फर्स्ट इंडेक्स फिंगर के साथ फर्स्ट फ्रेट की दो स्ट्रिंग्स, एंड मिडिल फिंगर के साथ सेकंड फ्रेट की थर्ड स्ट्रिंग, एंड रिंग फिंगर के साथ थर्ड फ्रेट की फोर्थ स्ट्रिंग, आपको जैसे भी अच्छा लगता है आप उसी अकॉर्डिंग एफ मेजर प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज मैं जो प्ले करता हूँ, जो मैंने आपको पहले बताया वही प्ले करता हूँ। अदरवाइज अगर आपने बार सीखना है तो बार में ऐसे होता है ई मेजर शेप में फर्स्ट फ्रेट पे बार फिंगर, ठीक है। एंड जो थर्ड कॉर्ड है वो बहुत ईजी है, वो है जी मेजर। जी मेजर हम पकड़ते हैं इंडेक्स फिंगर के साथ सेकेंड फ्रेट की फिफ्थ स्ट्रिंग, एंड उसके बाद मिडिल फिंगर के साथ हम थर्ड फ्रेट की सिक्स्थ स्ट्रिंग, एंड रिंग फिंगर के साथ हम पकड़ते हैं थर्ड फ्रेट की सेकंड स्ट्रिंग, एंड मिडिल फिंगर के साथ हम थर्ड फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग। सो ये है जी मेजर। अदरवाइज आप इसका जो सिंगल फिंगर के साथ भी पकड़ सकते हैं, आपने सिर्फ अगर आप रिंग फिंगर थर्ड फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग पे रख देंगे तो वो भी जी मेजर है। तो आपको जैसा ईजी लगता है आप वैसे प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो तीन कॉर्ड्स हो गए, सी मेजर, एफ मेजर एंड जी मेजर। अभी मैं आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन भी इसकी सिखाऊंगा कि कहाँ पे कैसे इसकी कॉर्ड प्रोग्रेशन है, एंड आपको परफेक्ट वाला इजी लेसन दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड हम बात करते हैं स्ट्रमिंग की। स्ट्रमिंग की इसकी जो प्ले हुई है, ठीक है, तो ये स्ट्रमिंग कैसी है? डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन 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 अप अप डाउन अप डाउन, ठीक है। तो इसको कैसे प्ले करना है मैं आपको ब्रेक करके समझाता हूँ। फर्स्ट जो दो स्ट्रोक्स हैं वो है डाउन डाउन, देन उसके बाद अप अप, फिर डाउन अप डाउन, तीन पार्ट में है। कैसे? डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन, ठीक है। तो कैसे प्ले होता है? ठीक है, अब जो आपने इंट्रो में देखा होगा, इंट्रो में कुछ ऐसी साउंड आती है, ये आपने कैसे प्ले करना है? ये इसी स्ट्रमिंग के थ्रू प्ले होगा। तो आपने क्या करना है, जो आपकी लास्ट डाउन स्ट्रम होगी ना, वो आपने एफ मेजर पे शिफ्ट कर देना है, सी से लेके एफ मेजर। तो आपकी पहली जो सिक्स स्ट्रोक होंगी, डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन, जो आपने लास्ट जो डाउन लेना है वो आपको बहुत जल्दी एफ मेजर पे लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एकदम से नहीं ले पाते हैं तो आप डाउन डाउन अप अप पे आप शिफ्ट करना शुरू कर दो, और एफ मेजर पे लास्ट नोट प्ले होनी चाहिए, इतना आप ध्यान रखें। डाउन, अदरवाइज जिन्होंने बार पकड़ना है तो वो बार भी पकड़ रहे, ठीक है। अब इंट्रो में ये है, अब इसमें इंट्रो पूरी परफेक्ट करने के लिए क्या है, आपको ये तीन बार प्ले करना है, डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन
डाउन अप अप डाउन अप डाउन, सी मेजर एंड एफ मेजर आपने तीन बार प्ले करना है, डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन डाउन। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपका फोर्थ वाली स्ट्रमिंग होगी तो अप अप पे ही आपने जी मेजर प्ले करना है, जी मेजर पे फिर अप अप डाउन अप डाउन। तो कैसे, मैं आपको पूरा प्ले करके देता हूँ। वन टू थ्री, ये आपकी इंट्रो होगी। तो आप प्लीज़ इस चीज़ पे वर्क करना, आप जस्ट कॉर्ड्स तीन ही हैं बट इसमें आपको क्या है कि आपको जल्दी जल्दी कॉर्ड्स कहीं पे शिफ्ट करने पड़ रहे हैं। तो अभी हमारा जो स्टार्ट होता है वो होता है इंट्रो से, ठीक है। तो आपने इंट्रो जैसे प्ले करना है, उसके बाद शुरू हो जाता है सारी उम्र हम, वो आपने क्या करना है तीन बार आपने सी मेजर जी मेजर सी मेजर जी मेजर सी मेजर जी मेजर देन एफ मेजर एंड जी मेजर एंड जब जहाँ पे हमिंग होती है क्या करना आपने फिर से सी मेजर एफ मेजर सी मेजर एफ मेजर सी मेजर एफ मेजर एंड जी मेजर। तो ये ऐसे सॉन्ग प्ले होता है, ठीक है। तो मैं आपको छोटा सा आपको बजा के बता देता हूं इंट्रो के साथ, वन टू थ्री फोर सारी उम्र हम जी मेजर मर के जीए एक पल तो अब हमें फिर उसके बाद ना 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 सी एन एफ ना 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 अगेन ना 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 अगेन ना 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 फिर उसके बाद अगेन गिव मी सम सनशाइन गिव मी सम रेन गिव मी अनदर चांस वांट टू ग्रो वंस अगेन, ठीक है। इसके लिए आप मेरी कॉर्ड प्रोग्रेशन देख सकते हैं। तो ये बेसिक सा इंट्रो था, जो कि इंट्रो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड इसमें ना स्टार्टिंग ये होता है, जब सॉन्ग बिल्कुल प्ले होता है तो वहाँ पे ये स्लाइड होता है। तो ये काफ़ी रिक्वेस्ट भी आती है स्लाइड की, कि ये स्लाइड कैसे होता है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आपने क्या करना होता है, अब ये आपकी टॉप स्ट्रिंग होती है, जो ई स्ट्रिंग होती है ऊपर वाली, इस पर आपने ये स्लाइड करना होता है। तो आपने क्या करना है, जैसे आपकी ये फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा सीधा नहीं पकड़ना, आपने टिल्ट पकड़ना है थोड़ा टेढ़ा करके, ठीक है। आपने टेढ़ा पकड़ना है और आपने नीचे की पांच जो स्ट्रिंग्स होंगी वो प्ले नहीं होनी चाहिए, वो म्यूट होनी चाहिए, ठीक है। और जो स्ट्रिंग प्ले होनी चाहिए वो सिर्फ ऊपर वाली की साउंड आनी चाहिए। और जैसे आपने इस पर स्ट्राइक करना है और इसको उसी टाइम आपने स्लाइड कर देना है। आपने ज़्यादा आगे से भी नहीं लेना है, ज़्यादा पीछे से भी नहीं लेना। आप मान के चलो आप 9 या 10 से, आप 11 से, इससे पीछे पीछे ले सकते हैं, 12 से पीछे पीछे, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर आप ज़्यादा आगे लेंगे तो इतनी जल्दी स्लाइड नहीं होगा आपसे, तो ये ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो आप यहाँ से तो आप स्लाइड करके सीधा गाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैसे भी आप इफेक्ट कहीं किसी भी सॉन्ग में डाल सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें मैंने हार्ट बीट स्ट्रमिंग यूज़ की है, ताकि इसमें कुछ अच्छे से इफेक्ट्स आ जाएं, ठीक है। तो वो कौन सी हार्ट बीट स्ट्रमिंग मैं आपको बता देता हूँ, उसमें मैंने यूज़ किया है, इसमें क्या हो रहा है कि आपकी स्टार्टिंग में दो बार किक प्लस स्ट्रम हो रहा है। कैसे, किक प्लस स्ट्रम देन स्ट्रम प्लस स्नेयर, एंड बहुत बेसिक सी है। फिर डाउन अप डाउन देन किक प्लस स्ट्रम देन स्ट्रम प्लस स्नेयर। जिनको हार्ट बीट नहीं प्ले करना आता है वो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे हार्ट बीट के लेसन दिए हैं। एंड इनकेस अगर आपको नहीं आते तो मैं फिर से हार्ट बीट पे कुछ नए लेसन दूंगा, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो कैसे, अगर इसको कॉर्ड्स के साथ प्ले करना हो तो इसमें भी जो लास्ट स्नेयर आ रहा है एंड में, उसमें आपने एफ मेजर पे प्ले करना है। अगर आपसे नहीं होता हार्ट बीट प्ले तो ये ज़रूरी नहीं है आप किसी भी सॉन्ग में हार्ट बीट प्ले करें, तो जस्ट एक मेरे व्यूअर्स के लिए है कि जो पसंद करते हैं, ठीक है। तो बाकी आप पे है, आप प्रैक्टिस कीजिए सॉन्ग की। अगर कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है सॉन्ग के रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। एंड
सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो। ना 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 ना, ना तो दोस्तों ये था आज का लेसन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपने इसमें से काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। अगर अभी तक आपके कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है इस लेसन में, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं एंड या तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझसे पूछ सकते हैं, guitar_adda पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। तो नेक्स्ट लेसन के लिए वेट कीजिए, तब के लिए थैंक यू।